कहा कि जनाब ये तो मैंने पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, मैं पर इस पर अमल कर रहा हूँ। कहाँ लिखे? कहाँ पढ़ा? फेसबुक पे। जी हवाला दिया होगा तो बुखारी शरीफ का। अब बुखारी शरीफ में वो कहीं मौजूद भी नहीं है, बुक पे हवाला है बुखारी शरीफ का। अब आप अंदाजा करें, आप फेसबुक पे पढ़ लेंगे कि बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, तिर्मिज़ी शरीफ है, नसाई शरीफ है, उसका हवाला दिया गया, उसकी 360वीं हदीस है, उसका फलां सबा है। अगर आपके पास किताब मौजूद है, आप देख लें तो अच्छी बात है, फबे हा, वरना फेसबुक की हदीसों पर अमल ना करें आप बड़े मेहरबानी। इल्ला माशाल्लाह कोई होंगे जो सही तरीके से बयान कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर तस्दीक कैसे की जाएगी? तस्दीक तब होगी जब आपके पास किताब मौजूद होगी। इसलिए उलमाए किराम की दामन को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मुफ्तियाने किराम की दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। वो रहनुमा है, उनको सारी चीज का इल्म है कि ये हदीस पाक है कि नहीं है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिर्मिज़ी में है, नसाई में है, मौजूद है कि नहीं है, ये भी उनको इल्म है। और ये भी उनको इल्म है कौन सी नासिर है और कौन